Hello children, hope you all are fine. Children, today I will teach chapter 8, Plants, Our Green Friends. Children, in Hindi, plants means पेड़ पौधे and our green friends means हमारे हरे भरे दोस्त. Children, plants are living things. It means they can grow, they can breathe like us and they can also reproduce. Plants grow in the soil and remain fixed in the ground by roots. Okay? Plants क्या है? Living things है. Means यह भी हमारी तरह grow कर सकते हैं, ठीक है? ये भी हमारी तरह breathe करते हैं और अपने जैसे दूसरे plants को पैदा करते हैं. Okay? Now ये जो plants हैं, ये कहाँ पर grow करते हैं? Soil में. Soil means मिट्टी. Okay? रूट्स की हेल्प से ये एक ही जगह पर क्या रहते हैं, बने हुए रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं. ओके, तो ये मूवमेंट नहीं करते इस तरीके से. जैसे हम मूवमेंट करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, प्लांट्स मूवमेंट नहीं कर सकते. तो ये इनकी क्या है, रूट्स. ओके चिल्ड्रन, इन आवर सराउंडिंग देयर इज अ लॉट ऑफ प्लांट्स व्हिच हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. ओके, सो इन दिस चैप्टर we will discuss about different types of plants. Okay? हमारे चारों तरफ कई तरह के plants हैं जिनका जो shape और size है वो बिल्कुल क्या है, अलग है, ठीक है? तो अभी हम types of plants के बारे में discuss करेंगे. Plants are of different types. Okay? First one is herbs. H-E-R-B-S, herbs. Second one is shrubs, shrubs. Shrubs. Third one is trees, trees. Trees. Fourth one is climbers, climbers. Climbers. And fifth one is creepers. Okay? तो ये main types हैं plants के. Again we repeat, herbs, shrubs, trees, climbers. Creepers, herbs, shrubs, trees, climbers and creepers. Okay? So first of all we will discuss about herbs. Herbs के बारे में हम पढ़ेंगे. Okay? Children, herbs have a herbs are very small plants. ये कैसे plant है? Small plants. Okay? They have soft and green stem. इनकी stem कैसी है? Soft and green. Okay? And they live for only one season. और ये सिर्फ एक ही season के लिए रह सकते हैं. Okay? So live for only one season. Okay? For example, wheat, rice, tomato, coriander, etc. Okay? So herbs क्या है? Small plants हैं, ये एकदम छोटे plants हैं. इनकी stem कैसी है? Soft, मुलायम है. और कैसे color की है? Green color की. Live for only one season. ये सिर्फ एक ही सीजन के लिए रह सकते हैं. तो सीजन आपको पता है, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, किसी एक सीजन में ही ये ग्रो होती हैं, ठीक है? और उसी सीजन में ये क्या हो जाती हैं? ऑटोमेटिकली डाई हो जाती हैं. ओके, तो ये सिर्फ एक ही सीजन के लिए बनी रहती हैं. फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, ना गेहूँ, चावल, टमाटर, कोरिएंडर, कोरिएंडर मीन्स धनिया, ये सब हर्ब्स के क्या हैं? एग्जाम्पल हैं. ओके, तो मोस्टली जितनी भी वेजिटेबल्स अगर हम देखें तो वेजिटेबल्स क्या हैं? हर्ब्स हैं. ओके, क्योंकि वेजिटेबल्स क्या होती हैं? सिर्फ वन ही सीजन के लिए रहती हैं. ओके, नाउ सेकंड वन इज श्रब्स. SHRUBS. ओके, children, shrubs, shrubs कैसे plants हैं? Bushy plants.
प्लांट, ओके, BUSH1, बुशी प्लांट। बुशी प्लांट मीन्स एकदम झाड़ी की तरह ये दिखाई देते हैं, ओके। नाउ दे हैव अ थिन एंड हार्ड स्टेम, थिन एंड हार्ड स्टेम। थिन मीन्स पतली एंड हार्ड, हार्ड मीन्स कठोर। इनकी जो स्टेम है, स्टेम मीन्स जो तना है पेड़ का, वो कैसा है, पतला और एकदम कठोर है, ओके। और ये किस तरह के दिखाई देते हैं हमें, बुशी, ठीक है, एकदम झाड़ी की तरह। तो ये क्या है, एक तरह से मीडियम साइज्ड प्लांट है, ठीक है, मीडियम साइज्ड प्लांट। ओके चिल्ड्रन, श्रब्स लिव फॉर मैनी ईयर्स, ओके। तो श्रब्स हैं ये कई सालों के लिए रह सकते हैं, सो दे लिव फॉर many groups, okay? For example, rose, okay? Bougainvillea, okay? Okay? तो ये जो shrubs हैं कैसे प्लांट है, मीडियम साइज प्लांट, ओके। हर्ब्स क्या है, स्मॉल प्लांट, श्रब्स मीडियम साइज प्लांट है, ओके। इनके जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, बुशी शेप का, ठीक है, बुशी मतलब झाड़ी की तरह, ठीक है। इनमें ये जो जैसे मान लो एग्जांपल रोज है, रोज आपने देखा है कॉमनली, रोज में क्या होता है, एकदम झाड़ी की तरह वो दिखाई देता है, उसमें कई ढेर सारी क्या होती है, थिन और हार्ड स्टेम्स होती है, ब्रांचेस खूब ढेर सारी होती है, ओके। तो ये क्या है, श्रब्स, ओके। तो ये कई सालों के लिए रह सकते हैं, ओके। सो अगेन वी रिपीट, श्रब्स के फीचर्स क्या है, बुशी प्लांट, ठीक है, बुशी प्लांट के तरह इनकी बनावट है, हार्ड एंड थिन स्टेम, मीडियम साइज प्लांट, लिव फॉर मेनी ईयर्स, ओके। फॉर एग्जांपल रोज, बोगेनविलिया एटसेट्रा, सो दीज आर नोन एज श्रब्स। नाउ थर्ड वन इज ट्रीज, थर्ड वन इज ट्रीज, ओके। सो चिल्ड्रन, ट्रीज आर टॉल एंड बिग प्लांट, ओके। ये कैसे प्लांट है, टॉल, टॉल मीन्स लंबे, एंड बिग बड़े प्लांट, ओके। दे हैव अ मेन थिक स्टेम, ओके। इनकी जो मेन थिक स्टेम है इसको हम बोलते हैं, विच इज नोन एज ट्रंक, ओके। एंड ट्रंक कंटेन ब्रांचेस, ओके, एंड लीव्स, ओके, एंड फ्लावर्स, ओके। सो जो ट्रीज है, ट्रीज की जो ट्रंक है, ठीक है, जो स्टेम है उसे हम ट्रंक बोलते हैं, ठीक है। ये जो ट्रंक है कैसी है, थिक, ओके, थिक वुडी स्टेम किसके पास है, ट्रीज के पास, ओके, एकदम ये मोटी होती है और कैसी है, वुडी, लकड़ी की जैसी, ठीक है। देन इसमें जो ट्रंक है, ट्रंक से कई ब्रांचेस निकली हुई रहती हैं और उसमें लीव्स और फ्लावर्स अपीयर होते हैं, ठीक है। नाउ ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स, ये कई साल के लिए रह सकते हैं, लिव फॉर मेनी ईयर्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल बनियन ट्री, बनियन मीन्स बरगद का जो पेड़ है, ओके, मैंगो ट्री, ओके, कोकोनट ट्री, ठीक है, ऐसी ओक एटसेट्रा, ठीक है। सो अगेन वी रिपीट, ट्रीज के फीचर्स क्या है, ये कैसे प्लांट है, टॉल है, बिग प्लांट, इनकी स्टेम कैसी है, ठीक है, वुडी, ये कई सालों तक रह सकते हैं, ओके। इनके जो मेन स्टेम है उसे हम ट्रंक बोलते हैं, ठीक है, और जो ब्रांच है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो इसी ट्रंक में अपीयर होते हैं, ठीक है, मतलब ये ट्रंक
से क्या निकली रहती है, ब्रांचेस निकली रहती है जिसमें फ्लावर्स और लीव्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेनियन ट्री, मैंगो ट्री, कोकोनट ट्री, ओक ट्री, ठीक है। तो बेनियन ट्री आपको पता है लगभग ये 100 ईयर्स तक रह सकता है, ओके। सो ये ट्रीज के क्या है फीचर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज क्लाइंबर्स, ओके। क्लाइंबर्स मीन्स बेल, ओके। चिल्ड्रन क्लाइंबर्स हैव अ वीक स्टेम, इनकी जो स्टेम है वो कैसी है, वीक, ओके। सो दे कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट विद देयर ओन, ये खुद से क्या नहीं हो सकते, सीधे खड़े नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, बिकॉज दे हैव अ वीक स्टेम, ओके। दे कांट स्टैंड उससे सीधे नहीं खड़े हो सकते, ओके। सो दे नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब अप, इन्हें क्लाइंब करने के लिए किसकी जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है, ओके। दे नीड अ सपोर्ट, ओके। सपोर्ट मीन सहारे की, ओके। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, ओके, मनी प्लांट, ग्रेप वाइन एटसेट्रा, ओके। सो मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, जो अंगूर की बेल है, उसे किसकी जरूरत होती है सीधे खड़े होने के लिए, किसकी, सपोर्ट की जरूरत होती है, ओके। सो आपने देखा होगा जब भी हम अपने घर में मनी प्लांट भी लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें उसे सपोर्ट देते हैं, है ना। कभी कभी जब उसे सपोर्ट नहीं मिलता तो हमारी ग्रिल्स में, जो आगे ग्रिल्स है उनमें फैल जाती है इसकी बेल, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लाइंबर्स, ओके। अगेन वी रिपीट, क्लाइंबर्स के फीचर क्या है, दे हैव अ वीक स्टेम, इनकी स्टेम कैसी है, कमजोर है। दे कांट स्टैंड इरेक्ट ऑन देयर ओन, ये खुद से सीधे खड़े नहीं रह सकते। सो दे नीड टू सपोर्ट टू क्लाइंब अप, ओके। सो इनको किसकी जरूरत है, सपोर्ट की, सहारे की जरूरत है, क्या करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए। क्लाइंब मतलब क्या होता है, क्लाइंब, क्लाइंब मतलब चढ़ना, ठीक है। ऊपर चढ़ने के लिए, इनको ग्रो करने के लिए किसकी जरूरत है, सपोर्ट की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, ग्रेप वाइन एटसेट्रा, ओके। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट क्रीपर्स, ओके। क्रीपर्स क्रीपर मीन्स भी बेली है, ओके। बट क्लाइंबर्स और क्रीपर्स में क्या डिफरेंस है मैं अभी आपको बताऊंगी। चिल्ड्रन क्रीपर्स हैव अ वेरी वीक स्टेम, इनकी स्टेम कैसी है, वेरी वीक, बहुत ज़्यादा कमजोर है, ओके। सो दे हैव अ वेरी वीक स्टेम, ओके। देयर फ्रूट्स आर बिग एंड हैवी, इनके जो फ्रूट्स हैं वो कैसे हैं, बिग एंड हैवी फ्रूट्स, ओके। सो दे क्रीप अलोंग द ग्राउंड, तो ये क्या करते हैं, ग्राउंड में ग्रो करने लगते हैं, क्योंकि इनकी स्टेम क्या है, वेरी वीक। क्लाइंबर्स की क्या थी, वीक स्टेम, इनकी उससे भी ज्यादा कमजोर रहती है, ओके स्टेम। सो ये क्या करते हैं, ग्राउंड में ही क्रीप करते हैं, ठीक है। तो इनकी जो बेल है वो ग्राउंड में ही क्या करने लगती है, ग्रो करने लगती है, क्योंकि इनके जो फ्रूट्स हैं वो क्या है, बिग एंड हैवी। फॉर एग्जाम्पल पंपकिन, पंपकिन, वाटरमेलन, ओके एटसेट्रा। तो चिल्ड्रन पंपकिन, कद्दू आपने देखा होगा या तरबूज भी देखा होगा, तो क्या क्या होते हैं ये पंपकिन मतलब, और वाटरमेलन कैसे होते हैं, एकदम बिग होते हैं, बड़े होते हैं, और हैवी, हैवी मीन्स भारी होते हैं, ओके। तो इनकी स्टेम कैसी है, वेरी वीक स्टेम है, बहुत ही कमजोर है ना। अगर ये क्लाइंब करेंगे तो इनकी इतनी वीक स्टेम है कि ये क्या हो जाएंगे, इतने हैवी फ्रूट से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी स्टेम, ओके। तो ये जो प्लांट्स हैं ये कहाँ की तरफ ग्रो करने लगते हैं, ग्राउंड में ही ग्रो करने लगते हैं, ओके। तो इनकी जो बेल है वो ग्राउंड में ग्रो करती है। क्लाइंबर्स को किसकी जरूरत है,
सपोर्ट की जरूरत होती है। क्लाइंबर्स मीन्स भी बेल है, क्रीपर मीन्स भी बेल, लेकिन क्लाइंबर्स और क्रीपर में क्या डिफरेंस है कि क्लाइंबर्स जो है उन्हें सपोर्ट की जरूरत रहती है, ठीक है, उनकी स्टेम वीक है, ठीक है, वाइल क्रीपर्स हैव अ वेरी वीक स्टेम, इनके पास बहुत ही वीक स्टेम है और इनके फ्रूट्स भी क्या है बिग एंड हैवी, तो ये क्या करने लगते हैं ग्राउंड में ही, जमीन में ही ग्रो करने लगते हैं। ओके, सो ये ही मेन डिफरेंस है इसके बीच में, किसमें, क्रीपर्स और क्लाइंबर्स में। ओके, सो अगेन वी रिपीट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ओके, फर्स्ट वन इज हर्ब्स। हर्ब्स हर्ब्स है सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम, दे आर अ स्मॉल प्लांट। ये कैसे प्लांट है, स्मॉल प्लांट्स है एंड दे लिव फॉर ओनली वन सीजन, और ये सिर्फ एक सीजन के लिए बने रहते हैं। ओके, वन सीजन, ठीक है, एग्जांपल वीट, राइस, ओके, जितनी भी वेजिटेबल्स हैं मैंने आपको बताया था वो सब क्या है, हर्ब्स, क्योंकि वो एक ही सीजन के लिए रहती हैं, ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, डाई हो जाती हैं। सेकेंड वन इज श्रब्स। श्रब्स आर मीडियम साइज प्लांट, ये मीडियम साइज प्लांट है, लगभग ये 6 to 8 meter इनकी हाइट रहती है। ओके, जो हर्ब्स हैं उनकी 1 to 3 meters हाइट रहती है और श्रब्स की 6 to 8 meter। ओके, दे हैव अ थिन एंड हार्ड स्टेम, इनकी जो स्टेम है वो कैसी है, थिन, थिन मीन्स पतली एंड हार्ड मीन्स कमजोर। ओके, और ये एकदम बुशी इनका स्ट्रक्चर है, झाड़ी की तरह ये दिखाई देते हैं, इनमें कई ढेर सारी ब्रांच निकली रहती हैं। ओके, और ये कई सालों तक रह सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको रोज दिया था, बोगनविलिया, ये सब क्या है, ऐसे प्लांट है जो कुछ सालों तक रह सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड वन इज ट्रीज। ट्रीज जो है वो कैसे प्लांट है, टॉल एंड बिग प्लांट। ओके, टॉल एंड बिग प्लांट है ये, ठीक है, ये एकदम कैसे रहते हैं, टॉल, लंबे और बड़े प्लांट है, ठीक है। ट्रीज जो है, ट्रीज में जो मेन स्टेम है उसे हम क्या कहते हैं, जो थिक वुडी स्टेम है उसे हम ट्रंक बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम, ट्रंक, ठीक है, मेन स्टेम इज नोन एज ट्रंक, ठीक है। ओके, एंड दे लिव फॉर मेनी इयर्स, ये कई सालों तक रह सकते हैं, फॉर एग्जांपल बनियन ट्री, कोकोनट ट्री, मैंगो ट्री, ओक, ओके, पाइन ट्री, ये सब क्या है, ट्रीज के एग्जाम्पल है। ओके, नाउ फोर्थ वन इज क्लाइंबर्स। ओके, क्लाइंबर्स हैव अ वीक स्टेम, इनकी स्टेम कैसी है, वीक है, ठीक है, सो वीक स्टेम होने के कारण ये क्या नहीं हो सकते, सीधे स्टेम नहीं हो सकते, इन्हें किसकी जरूरत है, सपोर्ट की। ओके, ये मेन पॉइंट है इसका, सपोर्ट, इसे क्या चाहिए, सहारा चाहिए सीधा खड़ा होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट, ठीक है, मनी प्लांट, ग्रेप वाइन, ये सब क्या है, क्लाइंबर्स के एग्जांपल है। एंड लास्ट वन इज क्रीपर्स। ओके, क्रीपर्स, क्रीपर्स की जो स्टेम है वो कैसी है, वेरी वीक, बहुत ज्यादा कमजोर है। यहाँ पर तो मैंने क्या लिखा, देखो क्लाइंबर्स में वीक स्टेम एंड क्रीपर्स क्या है, वेरी वीक स्टेम, ठीक है, इनकी स्टेम बहुत ही वीक है एंड दे हैव अ वेरी बिग एंड हैवी फ्रूट्स, इनके जो फ्रूट्स हैं वो साइज में कैसे हैं, बड़े हैं और एकदम भारी हैं। ओके, सो दे ग्रीप अलोंग द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड में ही क्या करते हैं, ग्रो करने लगते हैं। ओके, ताकि इनके जो फ्रूट्स हैं उनको सहारा मिल सके, ग्राउंड का सहारा मिल सके। ओके, सो फॉर एग्जांपल क्रीपर्स के एग्जांपल क्या है, पंपकिन है ना, वाटरमेलन, ठीक है, ये सब क्रीपर्स के एग्जांपल है। ओके, नाउ कुछ प्लांट चिल्ड्रन, आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं, तो उन प्लांट्स को हम बोलते हैं थॉर्नी प्लांट, THORNY PLANT, ठीक है, थॉर्नी प्लांट मतलब जिसमें क्या होते हैं, कांटे होते हैं, थॉर्न का मतलब ही होता है कांटा, कांटे। ओके, फॉर एग्जांपल कैक्टस, कैक्टस आपने देखा होगा इस तरह का होता है ना, ठीक है, इनमें क्या रहती है, इस तरह से थॉर्न्स निकले, ठीक है, थॉर्न मींस अगेन कांटे। ओके, इस तरह से इसमें कांटे निकले, तो इसको हम क्या कहेंगे, थॉर्नी। सो प्लांट्स व्हिच हैव अ थॉर्न।
थॉर्न, ठीक है, हैज कॉल ओनली प्लांट, ओके, इसमें थॉर्न होंगे, इसे हम क्या कहेंगे, थॉर्नी प्लांट्स, फॉर एग्जांपल कैक्टस, ओके। नाउ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन डू यू नो सम प्लांट्स बियर फ्लावर एंड दिस प्लांट्स आर नोन एज फ्लावरिंग प्लांट, ओके। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो क्या करते हैं, फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिनमें फ्लावर आते हैं उनको हम क्या कहेंगे, फ्लावरिंग प्लांट। फॉर एग्जाम्पल फ्लावर किस में आता है, देखो बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, रोज, मैंगो, है ना, गवावा, है ना, एटसेट्रा। मीन्स जिन जिन प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, फ्लावरिंग प्लांट, ओके। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें क्या नहीं आते, फ्लावर्स नहीं आते, ओके, सो दे डू नॉट बी अ फ्लावर एंड दीज प्लांट्स आर नोन एज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके, सो दे डू नॉट बी अ फ्लावर्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल पाइन ट्री, ओके, पाइन ट्री, मशरूम, ओके, एल्गी, फंगी, मॉस, ये सब क्या है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें फ्लावर्स नहीं आते हैं, ओके, जिसमें फ्लावर्स आते हैं उसे हम क्या कहेंगे, फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, सो दे दिस प्लांट दे बियर फ्लावर्स, ओके, ओके। नाउ आई होप टुडे यू लर्न सो मेनी थिंग्स, ओके चिल्ड्रन, सो थैंक यू चिल्ड्रन।